अस्सलाम वालेकुम सफदर भट्टी, आज हम एक गांव में, लाड़काना का ये एक विलेज है और जो इसकी तहसील है वो रत्ती धारो के एक गांव में हम आए हुए हैं और हमारे साथ एक बहुत ही बहादुर जो है यहाँ की समाजी वर्कर हमारे साथ हैं और ये गांव के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। आज इनकी वजह से आज हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया, आज उनकी कुछ जो है उनसे इसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ DX की, क्योंकि मैंने बहुत तड़पी डिप्टी कमिश्नर अदर्स गवर्नमेंट को कि मेरे गांव में आए, मेरे हालात देखे, माली हालात जो भी, अगर हम ज़रूरतमंद हैं तो हमारी सपोर्ट करें, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी, क्योंकि ज़्यादातर सिंध के पूरे हालात ऐसे हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। DX का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आए, 600-700 लोगों को जो आसपास विलेजेस हैं वो भी आए, उनको देखे, दवाई दी और हमारी सपोर्ट की, जहाँ पे ना कोई इदारा आया, जहाँ पे ना गवर्नमेंट आई और DX आया। बहुत शुक्रिया सफदर भाई का जिसने मेरी आवाज़ को सुना और हमारी सपोर्ट करने के लिए आई, शुक्रिया जी। ये थे इनके अल्फाज और इंशाल्लाह बाकी लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि जहाँ जहाँ पे अभी तक लोग नहीं पहुँचे, सैलाब वाले इलाके हैं और या फिर बारिशों के जो अफेक्टेड एरिया हैं, तो वहाँ पे पहुँचे और लोगों की जितनी भी खिदमत है वो कर सकें। ये सब जितने भी मैसेज हैं सिर्फ उनकी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।